हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डूअर में। जो हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो जानते होंगे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और हमारे चैनल में ज्यादातर एसएससी और जो अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके वीडियोस डाले जाते हैं। उससे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर और जो अन्य जो क्वेश्चन जो डाउट होते हैं कैंडिडेट्स के मन में, वो सारे ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इन सब के साथ साथ फार्मेसी ग्रेजुएट भी हूँ। तो आज मैंने चैनल देखा कि कौन कौन से फार्मेसी चैनल हैं जो अच्छा रिसोर्स अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट को, लेकिन मैं बहुत ही सरप्राइज रह गया कि वहाँ पे कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो एग्जामिनेशन जीपैट वगैरह के लिए वहाँ पे वो तैयारी करवा रहे हों। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि पहले तो मैं आपको अपना एक इंट्रो दे दूँ, क्योंकि मैं दो बार जीपैट क्वालिफाइड हूँ। जीपैट मीन्स ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके थ्रू गवर्नमेंट आपको अप्रोक्सीमेट 2 लाख, जिस समय मैं क्वालिफाई हुआ था तो उस समय तो 2 लाख रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपके स्टाइपेंड रहते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कैंडिडेट्स के लिए कि वो आगे जो अपना हायर स्टडी है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन है वो, या पीएचडी है, तो उसके लिए वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। तो जीपैट अगर आप निकालते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है और आपको अपनी फैमिली की तरफ से कोई पैसे नहीं मंगाने पड़ते हैं। तो वो बहुत ही आसान एग्जामिनेशन होते हैं। मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये एग्जामिनेशन 2 बार निकाले हैं और दोनों ही सेल्फ स्टडी से निकाले हैं। तो आपको जो आजकल इतनी कोचिंग चल रही है उनके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अपने सर्टिफिकेट, जो मैंने जब मैंने 11 में ग्रेजुएशन किया था उस समय का है, और फिर एक जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था तो लास्ट ईयर में मैंने वो दिया था, तो वो उस समय का है और दोनों ही क्वालिफाई हैं। तो मैं पहले तो ये कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका बुक है वो मैं अभी बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है, आप सिंपल आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। जैसा आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर के जितने भी सेमेस्टर है, मीन्स 8 सेमेस्टर में सारा कुछ जो भी बुक्स है वो सारा ही आता है, उनके सिलेबस में मेंशन रहता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपने जो बुक्स अभी मैं बताऊंगा उनको पढ़े हैं, उन पे आप स्टडी करोगे, उन पे फोकस करोगे, तो आप आराम से 100 में से 75 क्वेश्चन कर ले जाओगे और आपका सिलेक्शन वहाँ पर तय है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये 2011 का है मेरा स्कोर कार्ड, जिसमें दोस्तों आप देखोगे कि मेरी रैंक आई थी इसमें 4000 रैंक थी 11 में, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया था। मुश्किल से 1 या 1.5 महीने मैंने किए थे, वो भी लास्ट सेमेस्टर में किए थे, तो क्योंकि उसके पहले मुझे कुछ इसके बारे में इतना जानकारी नहीं थी और मीन्स इतना वो भी नहीं था कि हाँ मुझको ये एग्जामिनेशन निकालना है, तो लास्ट में फिर मैंने किया था। तो अगर आप अभी से इसके लिए लग जाते हैं 2019 का जो जीपैट आने वाला है, तो आप बिल्कुल इसको क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर जाओगे, और साथ ही साथ आपको नाइपर वगैरह और जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूँ कि इसमें टोटल 40,000 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे 2011 में, जिसमें कुछ 18% बने थे और मैं क्वालिफाई का। और ये भी बता दूं कि ये सेल्फ स्टडी से था, इसमें उस समय कोई कोचिंग नहीं अवेलेबल थी। तो और फिर इसके बाद दोस्तों, ये 2013 का है, इसमें भी आप देखो यहाँ पे क्वालिफाई लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए कि इन सब के लिए बहुत अच्छी कोचिंग या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का कोई वो नहीं है। आप घर में बैठ के, कॉलेज में बैठ के आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने कोर्स ही करने हैं, कोर्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आते। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको वहाँ छूने नहीं है, क्योंकि इवन जो टॉपर भी होता है जीपैट में वो फुल मार्क्स नहीं लाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बुक जो है ये सबके पास होंगी, ये जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की सुब्रमण्यम है, ये मैं दिखा देता हूँ जो अभी अगर थर्ड ईयर वगैरह में है तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक हो गया, इसको आप परचेज कर लो। फिर इसमें ही ब्रह्मांकर आता है आपके पास। ये बुक जो मैं दिखा रहा हूँ ये होना बहुत ज़रूरी है,
फिर इसके बाद अगर आप माइक्रो, वैसे तो माइक्रो का पार्ट ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो इसमें कुछ मार्क्स, आप हायर लाना चाहते हो, अच्छे कॉलेज में ही एंट्री करना चाहते हो, तो ये पैनिकर पब्लिशर है, उनका ये बुक आता है, तो आप इसको भी परचेज करेंगे। साथ ही साथ जो आपका मेन बुक है, जिसमें से आपको मतलब ये समझ लीजिए कि 40% क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, वो दोस्तों ये है, वो फार्माकोलॉजी की, आप सबको पता है कि के डी त्रिपाठी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये सब आपको पता है। बस ये है दोस्तों कि ये बुक होती सबके पास है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये लोगों को नहीं पता होता है, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। अब हम लोग बात कर लें कि जो 2019 में जो अभी आपका जीपैट होगा, तो उसमें वो कब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आएगा 3rd week of October, जो ये अप्रॉक्सीमेट डेट है कि 3rd week of October में आपका आएगा। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन की इन डेट होगी वो आपका दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, और जो एग्जामिनेशन की डेट होती है वो आपका जनवरी 2019 में आएगा, ठीक है। और इनका रिजल्ट 15 फरवरी के अराउंड ये पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप अगर अभी से सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाए, और आपको बड़े इंस्टीट्यूट में तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं और जा रहे हैं, आप सिंपली वहाँ पे आराम से ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपली केडी त्रिपाठी फॉलो करनी है, प्रमाणकर फॉलो करनी है, और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी भी लेके चल रहे हैं तो इसमें पैनिकर बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने दिखाया कि मैं 2 बार क्वालिफाइड हूँ, तो इसमें आप ये भी नहीं समझ सकते हो कि इसमें कोई लक का चांस है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है, मैंने 1 से 1.5 महीने में दिया था, इसलिए बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों अगर अभी से आप सीरियस हो तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर जाओगे। और मैं ये भी कहूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेने की जगह आप पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर परस्यू करें और इसके बाद जॉब लें, क्योंकि वो आपके प्रमोशनल जो चांसेस होते हैं उसमें आपको ज़रूर वो मदद करता है। तो इसलिए ये अगर आप अभी से मन भी बना रहे हैं कि हम जॉब करेंगे, तो आप पहले अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह परस्यू कर लीजिए, जिसके लिए स्कॉलरशिप सफिशिएंट है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ये आपके पॉकेट मनी की तरह यूज़ होगी, और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है जिसमें फ़ीस वगैरह है, तो ये भी पूरी आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी इससे रिलेटेड वो आपको मिलती रहे, और आपके जो भी डाउट हैं जीपैट से वो हमसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक यूट्यूब में कोई अच्छा चैनल नहीं है फार्मेसी से रिलेटेड। तो दोस्तों हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे, हमें जितना भी टाइम मिलेगा हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे, और आपको घर बैठे कॉलेज बैठे इसका लुफ्त मिलता रहेगा। बस आपको ये करना है कि हमारे साथ साथ आप भी हार्डवर्क करते रहेंगे। तो दोस्तों और कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।